हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे, वहीं पर ऐसे नौजवान जो सरजमीन उजानी के नौजवान इश्क़ नबी और इश्क़ मुस्तफ़ा की महफिल को कायम करके यूट्यूब और फेसबुक पर सजा रहे ताकि बच्चा ये देखे कि हमें नबी का तराना याद करना है। व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर क्या करो, लाइक थोड़ा धीरे से बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा धीरे से मचल के बोले सुभान अल्लाह। व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर क्या करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। जियो से जन्नत घर कमानी है दोस्तों तो मोबाइल पर हर वक्त जिक्र पैगंबर किया करो। व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर क्या करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। जियो से जन्नत घर कमानी है दोस्तों तो मोबाइल पर हर वक्त जिक्र पैगंबर किया करो। मस्जिद के मेंबरों को, मीनारों को छोड़कर बैठे हैं तीनगी में, उजालों को छोड़कर मसरूफ हो गया है मुसलमान इस कदर, यूट्यूब चला रहा है नमाजों को छोड़कर, यूट्यूब चला रहा है नमाजों को छोड़कर। आइए एक लहजे जदीद के उभरते पनपते हुए एक बेताज शायर इनकलाब जिसे दुनिया फैसल रशीदी के नाम से जानती है, आइए सरजमीन लखनऊ की वो चमन बहारी की गुलिस्तान आपके आंखों के सामने पेश करने का हुनर और सलीका और तरीका जानते हैं। जनाब मेराज फैजाबादी ने कभी कहा था कि बात कहने का अगर किसी के अंदर सलीका हो तो हमेशा हर बात आदमी सुन सकता है और लिख सकता है, पढ़ सकता है। बात कब कौन सी कैसे कही जाती है, बात कब कौन से कैसी कहे, बात कब कौन सी कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आइए इस इम्कान के शेर व शायरी करने वाले जनाब फैसल रशीद से गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं और अपनी सुरीली शीरीनी धीमी चीनी आवाज से हम सामेन के दिलों को महसूस फरमाएं इस शेर के साथ के मरमर से तराशा हुआ ये चांद सा पैकर होठों से मोहब्बत के ये रस घोल रहा है, नात पढ़ता है तो होता है ये महसूस, इंसान नहीं ताजमहल बोल रहा है।